सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज हम सैंडिस और सैंडिस में अभी सब कुछ दिखाएंगे आप। काफी हद तक सैंडिस जो है तैयार हो चुका है। सब में लॉक लगा दिया, बांस का बना हुआ है और सगर जो है इसको चारों साइड से घेर दिया गया है। सैंडिस काफी ज्यादा बड़ा है और पीछे मेरे पीछे काफी ज्यादा सुंदर है। सिर्फ है बच्चों के लिए, बड़े जात साल से अधिक उम्र वाले बच्चों को, सब लोग हम ही को देख रहे हैं। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो भाइयों और उसके बहनों, छा गया है कुछ इस कदर, दिखाई नहीं देता, लगता ब्राइटनेस को बढ़ाना पड़ेगा। कम्प्लीट हो जाएगा, ये रेस्टोरेंट देख सकते हैं मेरे पीछे। रेस्टोरेंट के लिए है वाटर पार्क। इधर जो है बहुत बड़े बड़े पेड़ है और यहाँ पे लोग बैठे रहते हैं जो कि। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं और यहाँ पे सब में घेरा लगा था, पेड़ पौधे यहाँ पे लगा हुआ है और बाकी सब कुछ है। और ये ओपन एयर थिएटर ये भी खुला हुआ था लेकिन अभी जो है ना सब में लॉक लगा दिया गया है। यहाँ पे जो है स्टेज टाइप का बना हुआ और वो सब जो दिखाई दे रहा है वो सब सीट है। अभी थोड़ा दूर है और चलेंगे। प्यारी समझ गई। बांस का बना हुआ है और सगर जो है इसको चारों साइड से घेर दिया गया है ताकि इसके अंदर कोई नहीं जा सके। सैंडिस काफी ज्यादा बड़ा है और यहाँ का आप देख सकते हैं पूरा जो है, पहले तो खुला हुआ था पूरा लेकिन अभी जो है सब कुछ घेर दिया गया है। ग्राउंड टाइप का भी हो गया, टिकट चालू हो गया। तो देखिए वहाँ झूला है, आगे आपको दिखाएंगे वहाँ झूला है, वहाँ पे टिकट लगता है। चलिए यहाँ पे और दिखाते हैं आप सबको, फोटोशूट करने वाले लोग सब आए। मैं तो सिंपली रास्ते से जा रहा था लेकिन पता नहीं इस बंदे को क्या हो गया था, मुझ पर इस तरह से झपटता है जैसे लगता है मैंने इस पगड़िया को बुरी नजर से देखा। यार मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो गाइस अभी सैंडिस आ गए हैं और पहले तो गेट पे ही थे लेकिन अंदर आने के बाद आप सबको देख सकते हैं ये सब मिलेगा बच्चों को खेलने के लिए। यहाँ पे कई सारे झूले लगाए गए हैं और इधर से नहीं दिखेगा तो मैं आपको सामने से जाके दिखा देता हूँ जहाँ पे इसका गेट है। और काफ़ी अभी एक और गेट है यहाँ पे जो कि पीछे मेरे पीछे, ये दूसरा गेट है, ये सुशील दिखाएगा सामने वाला। तो ये तो अभी देख सकते हैं ये स्टेशन क्लब है, यहाँ पे आरामदायक काफी चेयर वेयर लगा हुआ है, इधर बैठने लायक है, काफी ज्यादा सुंदर है। समझ रहे हो? अभी तो क्लोज है लेकिन ये शाम को खुलेगा, ये सिर्फ है बच्चों के लिए, बड़े जा सकते हैं लेकिन झूल नहीं सकते हैं। यहाँ पे क्या है, 12 साल से अधिक उम्र वाले बच्चों को झूला झूलना मना है। और देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको ग्राउंड दिखाएंगे, तो आइए ग्राउंड दिखाते हैं, सब लोग हम ही को देख रहे हैं। तो खैर कोई नहीं, यहाँ पे बहुत सारे मेरे जैसे हैं जो कि फोटो शूट कर रहे हैं या ब्लॉग बना रहे हैं और इसमें थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है इसी में। अगर कोई साथ में और भी हो तो सुशील है, प्राकृतिक प्रेमी। हाँ ये प्राकृतिक प्रेमी है और यहाँ का नज़ारा काफी ज्यादा सुंदर है। ऐसे तो अभी यहाँ का अभी फील्ड दिखाएंगे, फील्ड दिखाने के बाद हम जाएंगे उधर रेस्टोरेंट, जो कि एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे देख सकते हैं। यही है फील्ड, बहुत बड़ा फील्ड है, मस्त लोकेशन है। तो समझ रहे हो? तो बाय का रील शूट हो रहा है। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो भाई का बात मानिए और लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। ऐसे तो नहीं होता है। ये रहा सैंडिस का प्ले ग्राउंड फील्ड और ये रहा स्टेज। अभी मैं इस पे भाषण देने वाला हूँ। तो भाइयों और उसके बहनों,
आ गया है कुछ इस कदर, दिखाई नहीं देता, लगता ब्राइटनेस को बढ़ाना पड़ेगा। तो गाइस मैंने अभी आप सबको फील्ड दिखा दिया और अभी चलते हैं रेस्टोरेंट की बारी, और रेस्टोरेंट की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं और सामने ही रेस्टोरेंट देख सकते हैं, मेरे पीछे रेस्टोरेंट है और वहाँ पे रेलगाड़ी के डब्बे भी लगे हुए हैं, चाहे तो वहाँ से सैर कर सकते हैं या तो चलिए आप सबको दिखाते हैं। तो गाइस ये रहा कैफेटेरिया जो कि एक रेस्टोरेंट है और जिस गाड़ी के बारे में बात किए थे यही है वो रेल इंजन, यही है रेल इंजन जो कि सैंडिस में चलता है। और ये अभी लॉक है, यहाँ पे लगा दिया है ताकि कोई इस पे बैठे ना। चलिए अब इधर तो अभी जाना नहीं है और आपको दिखाते हैं आगे चलते चलते। अब हो गया ट्रेन का टाइम और मुझे और सुशील को घर भी जाना, तो चलते हैं ब्लॉग बनाते बनाते और आपको कैफेटेरिया दिखा दिए। और ये एक ट्रेन गाड़ी है और जो सैंडिस में चलता है, अगर आप भी चाहते हैं कि इस गाड़ी पे बैठना तो यहाँ आइए, सैंडिस में आइए और अंधेरिया में बैठिए। कुछ ना कुछ चल ही रहा है, कहीं फोटो शूट हो रहा है, कहीं रील शूट हो रहा है और जैसे देख सकते हैं हाँ कोई लोहड़ रहा है, वो सीन हम नहीं दिखाए लोहड़ने वाला। लोहड़ अभी और भी आप सबको दिखाएंगे बहुत सारे, जैसे कि अभी आप सामने भी दिख रहा है कुछ लेकिन आपको दिखाना नहीं चाहते। नो आई एम टेलिंग यू, प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए, हर किसी का अपना प्राइवेसी है, इसी कारण इधर उधर ना देखें, शायद यहाँ थूके लिखा हुआ है, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो यहाँ पे पानी है, चाहे तो सुशील भर लो, थक गए हैं और चलिए पानी भरते हैं। पी के देखना कैसा लगता है, कैसा पीने लायक है, तो गाइस चलते चलते हमें एक दिखा है छोटा सा पार्क जो कि बच्चों के लिए है, वाटर पार्क। और इधर जो है बहुत बड़े बड़े पेड़ है और यहाँ पे लोग बैठे रहते हैं जो कि कुछ स्टडी करते हैं, कुछ बातें चल करते हैं और कुछ फोन को यूज करते हैं, टाइम पास करते हैं मतलब। और इधर भी है, तो अभी हम चलते हैं इधर, आप सबको बड़ा बड़ा पेड़ देखने को मिलेगा, ये बड़ा बड़ा दिखा दे। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ भी आती है और कुछ नहीं, बस आती है खेलती है कुत्ती और घर जाती है, समझ रहे हो। सब आ गए, सब खेलिए, लड़का हो या लड़की सब खेलिए, क्योंकि जब तक से खेलिएगा नहीं मजबूत नहीं बनिएगा। हाँ दिन काफी ज्यादा प्यारा है और यहाँ पर इतना पेड़ होने के बावजूद भी यहाँ पर और पेड़ लगाया गया है। तो गाइस अभी आप सबको पूरा सैंडिस दिखा दिया और ये भी देख लीजिए पीछे जो कि अभी जाके नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि टाइम का अभाव है। तो चलते हैं अब सैंडिस से बाहर, तो यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए और काफी ज्यादा मस्ती करने के लिए, कॉलेज वाले से सीधा बैंक करके सीधा डायरेक्ट यहीं आते हैं सब मस्ती करने के लिए, बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए। कैसा लगा मेरा मजाक? तो आप भी सैंडिस आइए और मजे कीजिए और मस्ती कीजिए और काफी ज्यादा मजा आएगा क्योंकि अभी तो शुरू ही हुआ है, जब पूरा का ऐसे में बड़ा सख्त लॉकडाउन, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। Hey, it's a good idea.